गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक भगवती चंद वर्मा जी है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। भगवती चंद वर्मा जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। उनका जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से बीए तथा एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और उसके पश्चात कविता लेखन का कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में इनकी रुचि कविता लेखन में अधिक थी, परंतु धीरे धीरे बाद में इनकी रुचि जो है उपन्यास लेखन में बढ़ गई। इन्होंने अनेक कृतियों की रचनाएं की हैं, जिनमें से इनकी कुछ कृतियाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई है, जैसे कि महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण और प्रेम संगीत इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान के लिए सन 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस महान आत्मा का 5 अक्टूबर 1981 में निधन हो गया और इस महान आत्मा का देवलोक गमन हो गया। तो चलिए हम इनके द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती पढ़ना शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत के भाग 3 से ली गई हैं, जिसके रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने की मस्ती में डूबे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों की मध्यम दशा का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। भारत को जो आज़ादी दिलाई है, उसके लिए जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना त्याग दिया है, उनकी जो मन की स्थिति है, कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से उसका वर्णन किया है। जो दीवाने लोग हैं, जिनमें आज़ादी को प्राप्त करने का, स्वतंत्रता को प्राप्त करने का जुनून है, वे दीवाने लोग एक स्थान पर टिक करके कभी नहीं रहते और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोगों में हर्ष और उल्लास भर देते हैं। चलिए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कहते हैं कि आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाले वीरों का जो मन है वो जोश से भरा हुआ है। इनके लिए देश की गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है मान सम्मान इज्जत, ठीक है। इनके लिए देश की जो इज्जत है उनका, उसका जो मान सम्मान है वही सर्वोपरि है। उसके आगे इन्हें अपनी कोई हस्ती दिखाई नहीं देती, यानी देश की गरिमा के आगे इन्होंने अपना कोई सामर्थ्य दिखाई नहीं देता, सिर्फ देश को आज़ादी दिलाना ही इनका लक्ष्य है। ये आज़ादी के दीवाने हैं, लोगों में जोश पैदा करने के उद्देश्य से ये सारे देश में घूमते रहते हैं और जिस भी दिशा में इनके कदम बढ़ जाते हैं वहाँ इनके जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। कवि कहते हैं कि दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं और जब वे वहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों की आँखों में प्रेम के आंसू दे जाते हैं। दीवाने जो लोग हैं कहते हैं कि अभी अभी तो आए थे और अभी अभी तुम कहाँ आए, बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि ये दीवाने लोग हर्ष और उल्लास लाते हैं और जब वे जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं। क्यों उमड़ पड़ते हैं? क्योंकि जहाँ पे भी ये दीवाने लोग जाते हैं आज़ादी का आलम इनके ऊपर छाया हुआ होता है, आज़ादी का जुनून इनमें शामिल रहता है, तो जहाँ पे भी जाते हैं वहीं लोगों में नया जोश, नई उत्साह का संचार कर देते हैं, सारे वातावरण को खुशनुमा
बना देते हैं। इसीलिए जब ये वहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों की आँखों में स्नेह के आंसू जो हैं उमड़ पड़ते हैं और वे उनसे कहते हैं कि तुम कैसे आए, यानी अभी अभी तो तुम आए थे और इतनी जल्दी तुम कहाँ चले, यानी अब तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, अर्थात कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाओ। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बातें कही, दो बातें सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्के सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब देखिए आगे लेखक क्या कर रहे हैं। इस पैरे के माध्यम से जो लेखक हैं वह हमसे कह रहे हैं कि दीवाने कहते हैं कि उनके आने जाने का ठिकाना मत पूछो, किस और चले यह मत पूछो, यानी उनके आने जाने का कोई पता नहीं है, कोई निश्चित ठिकाना उनका नहीं है, बस उनसे आने जाने का ठिकाना मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, जग में उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ लिए चले। उन्हें बस अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ चले, यानी आगे की ओर चल दिए हैं। वे कहते हैं कि इस संसार से उनकी कुछ यादें लेकर और अपनी कुछ भावनाओं को देकर वे आगे बढ़ जाते हैं। यानी संसार से उन्होंने क्या लिया, उनकी कुछ यादें ली, उनके साथ जब उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया रहे तो वहाँ पे उनकी जो खट्टी मीठी यादें थी उनको अपने साथ लिया और अपने जो कुछ अनुभव थे, अपनी जो कुछ फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, वो उनको देते हुए आगे की ओर बढ़ चले। दो बातें कहीं, दो बातें सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। वे अपने देशवासियों के सुख दुख में साझेदार बनते हैं, यानी अपने देशवासियों को सुख दुख को, देशवासियों के सुख दुख को बांटते हैं, उनके साथ हंसते हैं और उनके साथ रोते हैं, परंतु उनके लिए दुख और सुख समान हैं, यानी वो सुख में भी और दुख में भी अपना धैर्य नहीं खोते। अत्यधिक सुख होने पर ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते और दुखी होने पर अपना धैर्य नहीं खोते, अर्थात उनके लिए सुख और दुख दोनों ही समान होते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों का एक भाव में पिए चले, और जो सुख और दुख है उसको वो जी भर कर जीते हैं और उसका आनंद लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम बिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले आसमान का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि भगवती चरण वर्मा जी जो हैं इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि देश के लिए दीवाने बने हुए जो देशभक्त लोग हैं, बलिदानी लोग हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए बलिदानी लोग कहते हैं कि देश के कुछ लोग देश से सदा कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं, देश के लिए कुछ देने की बात नहीं सोचते। अर्थात कुछ लोग क्या होते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, वो सिर्फ देश से लेना ही लेना जानते हैं, देश को कुछ देना नहीं जानते, अर्थात वो देश को कुछ चाहकर भी देना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो भिकमंगों के समान हैं। कवि ने ऐसे स्वार्थी लोगों को भिकमंगों के समान बताया है, जिसमें सिर्फ लेने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उन्होंने लोगों को देश से सच्चा प्रेम करने की भावना सिखाई है, देश से निस्वार्थ प्रेम करना ही देशवासी का कर्तव्य बताया है। कवि कहते हैं कि इस देश प्रेम के दीवानों को
इस बात का बड़ा पछतावा होता है कि निरंतर प्रयत्न करने पर भी वे देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए हैं, अर्थात उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपार कोशिशें की, बहुत अथक प्रयास किया, परंतु फिर भी वे देश को आज़ादी नहीं दिला पाए हैं। और अपनी इस असफलता का बोझ को हृदय में धारण किए निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाते जा रहे हैं। ऐसे वीर, ऐसे देशभक्त जो लोग हैं, क्या कर रहे हैं? इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलने का उनको बहुत ही पछतावा है, फिर भी वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रहे हैं, निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आगे कवि कहते हैं कि देशभक्ति की भावना जिसके मन में होती है, ऐसे भी कभी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं, वे जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए कोई भी ना अपना होता है ना पराया, सभी देशवासी भारतवासी के रूप में होते हैं। वे यही चाहते हैं कि वे रहें या ना रहें, परंतु देश में रहने वाला प्रत्येक भारतवासी सदैव प्रसन्न रहे। आगे वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन स्वयं निश्चित किए थे, अब हम स्वयं ही अपने बंधन रिश्ते नाते तोड़कर बलिदान होने के लिए पथ पर बढ़ रहे हैं। अर्थात हमने अपना मार्ग, आज़ादी को प्राप्त करने का जो हमारा मार्ग है, वो हमने स्वयं चुना है और अब हम इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने कविता पढ़ी और इसको अच्छे से समझा है। आप इस कविता को आज याद करेंगे। ओके।